आप लोग दंगा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, वो कह रहे हैं लखनऊ से पास में ही है बहराइच, वहां पर देखिए दंगा हो गया और सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। मैंने कहा लाल टोपी और सपा वाले कुछ जालीदार टोपी पहन करके अंदर आ जाते हैं तब ये समस्या पैदा होती है। लेकिन अपराध के मामले में धर्म या जाति का चश्मा क्यों देखना, अपराधी तो अपराधी है किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखे। मैं समाजवादी पार्टी के अपराधी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते जन्मजात हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी का साथ गुंडे अपराधी माफिया दंगाई छोड़ दें उस दिन समाजवादी पार्टी उसी दिन समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। यहीं पर अखिलेश यादव थे, उनकी ओर से दंगा मुक्त प्रदेश जिसका आप लोग दावा करते हैं उसको लेकर सवाल पूछे गए। आप लोग लगातार कहते हैं कि अपराधियों को हम लोगों ने भगा दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया, तो वो पूछते हैं कि हर रोज चाहे अखबार हो चाहे चैनलों की हेडलाइंस हो वो उत्तर प्रदेश की घटनाओं से क्यों पटी पड़ी रहती हैं, वो आप लोगों पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे जो बिल में घुसे थे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिर बिल में भेज दिया जाएगा। लेकिन 2024 में जिस तरह के नतीजे सामने आए वो बीजेपी के लिए अप्रत्याशित रहे, कहां आप लोग 70 से ज्यादा सीटों की हुंकार भर रहे थे और कहां आप लोग 30 के आसपास सिमट गए, उन गलतियों से आप लोगों ने क्या सबक सीखा? उस गलती क्योंकि से पीडीए अखिलेश यादव का जैसा भी रहे उसको लेकर आप लोग कोई भी दावा करें लेकिन वो उनके लिए काम कर गया। उसी गलती से सबक सीख करके हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और श्री अखिलेश यादव जी को हरियाणा, अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी के जितने भी दोस्त रहे होंगे उनके गठबंधन के सब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। लेकिन जब वहां पर 8 अक्टूबर को मतगणना हुई तो वहां कमल खिल गया, सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का, आप लोगों को जलेबी खाने का मौका मिल गया। जलेबी तो खिलाने का मौका मिल गया हम लोगों को। अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर वो आप लोगों को एक्सप्रेस वे पर घेर रहे हैं कि इनको तो उस बारे में जानकारी नहीं होगी, ये बुंदेलखंड का उठाकर देख लीजिए, पूर्वांचल का उठाकर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कितना खराब है उसका, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो दावा उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है वो इसको लेकर भी पूछ रहे हैं। इन लोगों को तो आंकड़े भी नहीं पता होंगे चित्रा जी, इंडियन रुपीज में। श्री अखिलेश यादव जी को मैं याद दिला रहा हूं एबीपी के इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से, 2014 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। 60 से अधिक सीट जीतने का दावा किए, चारों खाने चित हो गए और भाजपा गठबंधन ने 73 लोकसभा सीटें जीती। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। चुनाव हुआ, 325 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीता, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी हारी थी कि भाजपा हारी थी? 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए गठबंधन तक कर लिया, लेकिन हम 64 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक अंतर से विजय प्राप्त किए। तो वह समाजवादी पार्टी हारी थी, क्षेत्रीय पार्टी हारी थी कि राष्ट्रीय पार्टी हारी थी? 2022 में श्री अखिलेश यादव जी से आपने भी किसी मंच पे बात किया था, मैंने सुना था, वो कहे हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब 400 से अधिक सीटें जीतते जीतते 100 पार करने में उनको नानी याद आ गई। तो जब 14 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने दुष्प्रचार का सहारा लिया। संविधान के लिए जो स्वयं खतरा बने हुए हैं वो संविधान खतरे में बता करके लोगों को गुमराह किया, आरक्षण को खतरे में बना करके जो पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तक समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर सरकार थी एक भी युवा को नौकरी बिना पैसा दिए प्रतिभा के आधार पर नहीं मिलती थी। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी तो महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ी थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। मैं जानता हूं, मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था 17 में जब इनकी सरकार थी, 16 में बना था, तो मैं प्रदेश के अंदर घूमता था कई पुलिस थानों में, चौकियों में रात के पुलिस ताले लगा करके शहरी पुलिस लाइन चली जाती थी शहर में। ये मैंने पूछा ये क्यों चले जाते हैं, कहते रात में इनको खतरा है। मैंने कहा जिस अखिलेश यादव जी के शासन में उस प्रदेश की पुलिस को मतलब वहां सपा के गुंडों से खतरा है, सपा के समर्थकों से खतरा है, तो फिर कौन सुरक्षित है? दंगा मने खिलवाड़ हो गया था, दंगाइयों का संरक्षण इतना था कि सरकारी जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठा करके उनको मुख्यमंत्री आवास में ठहराया जाता था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।